हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन। माई सेल्फ समीर वी तेजवानी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आराध्या क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। स्टूडेंट्स, हम सब लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करा है। उसके अंदर 3 पार्ट्स खत्म कर लिए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट व्हिच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू। सो लेट अस स्टडी द फोर्थ पार्ट विच इज अबाउट कैटालिसिस। स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड द वर्ड कैटालिसिस बिफोर? यस, सम ऑफ यू विल बी सेइंग दैट यस वी हैव हर्ड अबाउट कैटालिस्ट। ओके, तो ये जो टर्म है ना वो उसी के ही रेलेवेंट है। टॉपिक चालू करो, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। चलो, कैटालिसिस। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर या डे टू डे लाइफ के अंदर जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस यूज होती हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूज होती हैं, वो काफी स्लो होती है, वेरी स्लो। इसका मतलब कि वो बहुत ही लेस यूजफुल है। ठीक है, इनको मोर यूजफुल बनाने के लिए हमको इनको फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट कैसे किया जाता है चलो देखते हैं। देर आर फोर वेज इन केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के। देर आर फोर वेज, वॉट आर द फोर वेज चलो देखते हैं। सो द फर्स्ट वे ऑफ मेकिंग अ रिएक्शन फास्टर इज टेम्परेचर। द सेकेंड वे बाय विच द रिएक्शन कैन बी मेड फास्ट इज प्रेशर। थर्ड इज एडिंग सम केमिकल एंड फोर्थ इज द कैटलिस्ट। We are particularly interested to study the effect of catalyst on the increase in the rate of the reaction. चलो देखते हैं। तो देखो, catalyst का सबसे पहले definition देख लेते हैं। Catalyst ऐसे substances हैं जो किसी भी chemical reaction का rate जो है उसको alter कर सकते हैं। alter कर सकते हैं मतलब either increase कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं, और वो केमिकली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज रहते हैं। मतलब उनका केमिकल आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट बोलते हैं और फिनोमिनन को कैटालिसिस बोला जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट बोलते हैं और फिनोमिनन को कैटालिसिस बोला जाता है। आइए देखते हैं कि प्रोसेस के अंदर होता क्या है। तो यहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते करके सबसे पहले रिएक्टेंट कैटालिस्ट नाम का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के दौरान बनता है। ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये तुरंत ही ब्रेक होकर के किसी स्टेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेबल मटेरियल हमारा यहां पर क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर स्टेबल मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखो कि यहां पर कैटालिस्ट जो है वो अनचेंज्ड वे में हमें एंड ऑफ द रिएक्शन में वापस मिला है। ठीक है, एंड ऑफ द रिएक्शन में हमको ये वापस मिला है। तो कैटालिस्ट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकली और क्वांटिटेटिवली किसी भी रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं होता है। बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझ लो। ये जो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है कैटालिसिस की, उसको सबसे पहले बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए नेक्स्ट, इस स्लाइड के अंदर हम कैटालिसिस का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, यहां पर आपको KClO3 दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट। आप इसको हीट कर रहे हो। हीटिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 653 से 873 केल्विन। इसकी जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करते हैं। नाउ इसके अंदर हम मैंगनीज ऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड करने के बाद जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो 473 से 633 हो गया। पहले वो कितना था? 653 से 873। मतलब
टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था वो डिक्रीज हो गया। अब यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है वो देखते हैं। तो पहले तो हम पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं, इसको हम मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कैटालिस्ट है उसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीट करते हैं मतलब यहां पर लिखा देते हैं डेल्टा। तो जो प्रोडक्ट है वो पहली हो जाएगी KCl, और दूसरी जो प्रोडक्ट निकलेगी वो है ऑक्सीजन। पर क्लोरेट्स को जब भी गर्म किया जाता है तब ऑक्सीजन निकलती ही है, ठीक है। ओके, अब यहां पर रिएक्शन को बैलेंस कैसे करने का, तो देखो पोटेशियम इस साइड पे एक है, इस साइड पे भी एक ही है। क्लोरीन इस साइड पे एक है, इस साइड के भी ऊपर एक ही है, मतलब पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस है। लेट अस चेक फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो इसका मतलब आप इधर साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों की साइड पे ऑक्सीजन जो है वो 6-6 बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा करने के चक्कर में पोटेशियम क्लोराइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ा है, मतलब यहां पर अब 2 KCl हो गए, तो इधर भी आप 2 KCl बना दो। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पर मेन चीज टू बी नोटेड ये है कि यहां पर MnO2 ऐड करने के बाद जो रिएक्शन टेम्परेचर है उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला। पहले वो टेम्परेचर था 653 से 873 केल्विन और अब वो टेम्परेचर रिड्यूस होकर के हो गया 473 से 633 केल्विन। क्लियर है? चलिए अभी हमें कैटालिसिस के दो फर्दर सब डिवीजन पढ़ने हैं। पहला है पॉजिटिव कैटालिसिस, या इसको प्रोमोटर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है नेगेटिव कैटालिसिस जिसको बाद में पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव कैटालिसिस या प्रोमोटर किसको बोला जाता है? तो प्रोमोटर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। प्रोमोटर जो है वो किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हेबर्स प्रोसेस आप सभी को ही पता है, ये अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। अमोनिया को मैन्युफैक्चर करना हो तो आपका हेबर्स प्रोसेस यूजफुल है, आप इसको लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो कैटालिस्ट है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। इक्वेशन बैलेंस आप खुद से कर सकते हो, मैं यहां पर डायरेक्टली बैलेंस फॉर्म का इक्वेशन लिख रहा हूं, विच इज अमोनिया गैस। अब बच्चों यहां पर जो मॉलिब्डेनम है, MO, हाँ O छोटा लिखेंगे, वो प्रोमोटर की तरह काम करता है, प्रोमोटर की तरह काम करता है और पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है, और पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कहने का मतलब ये आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव कैटालिस्ट या तो प्रोमोटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो आयरन जो है वो कैटालिस्ट है, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर है, और वो रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट अप कर रहा है, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। दूसरा पार्ट है वो आपका नेगेटिव कैटालिसिस का है, ऐसे सब्सटेंस जो एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट को डिक्रीज करते हैं उनको हम नेगेटिव कैटालिस्ट या तो पॉइजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम हेबर्स प्रोसेस की बात करें तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि आयरन जो है वो एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, आयरन जो है वो एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, ये एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। लेकिन इसके अंदर अगर कोबाल्ट की इंप्योरिटी हो गई तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है, ये नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कहने का मतलब इसको हम पॉइजन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पॉइजन भी बोलते हैं। यहां पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया ही रहेगी, यहां पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया ही रहेगी, लेकिन जो कोबाल्ट है वो यहां पर आपका नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे सब्सटेंसेस को हम पॉइजन बोलते हैं। ओके, अब ऑटो कैटालिसिस की बात करते हैं। तो ऑटो कैटालिसिस में क्या होगा, वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज इक्वल टू कैटालिस्ट, ठीक है।
जो प्रोडक्ट बनेगी ना रिएक्शन के दौरान, वही कैटालिस्ट की तरह काम कर रही होगी। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखो, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ऑक्सैलिक एसिड मतलब कि H2C2O4, इसको आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो COOH, इसका टाइट्रेशन अगेंस्ट KMnO4 पड़ा है। जो KMnO4 है पर्पल या वायोलेट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसके टाइट्रेशन में आपको समझ में आता है कि एज ऑक्सैलिक एसिड को हम KMnO4 में ऐड करते हैं तो जो KMnO4 का पर्पल कलर है वो फेड होता है। पर्पल कलर ऑफ KMnO4 फेड होता है, मतलब उसका इंटेंसिटी कम होता है। इनिशियली ये रेट जो है वो काफी स्लो होता है, मतलब इनिशियली जो KMnO4 का पर्पल कलर है वो स्लोली फेड होता है। बट आफ्टर सम टाइम रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। चलो देखते हैं कैसे। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी कभी जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करती है, उसको ऑटो कैटालिसिस बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पर जो Mn+2 आयन बनेगा वो ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। आइए रिएक्शन देखते हैं। बच्चों देखो, रिएक्शन के अंदर आपका एक रिएजेंट जो है वो KMnO4 है, दूसरा रिएजेंट H2SO4 है, और तीसरा रिएजेंट जो है वो H2C2O4 है, ओके? तो होगा क्या, जब रिएक्शन होगी तब सबसे पहले ये पोटेशियम और ये सल्फेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सल्फेट का वैलेंसी आपको पता है कि 2 होता है, तो यहां पर पोटेशियम के आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद Mn अगेन इस SO4 के साथ कंबाइन होकर के MnSO4 बना देता है। दोनों की वैलेंसी जो है वो सेम ही है। उसके बाद आप ध्यान से देखो कि बच क्या गया, तो इधर हाइड्रोजन बच गया और इधर ऑक्सीजन बच गया, मतलब जो दूसरी प्रोडक्ट आएगी वो आएगी H2O प्लस। यहां पर जब हम ऑक्सलेट को गर्म करते हैं ना, तब हमेशा CO2 गैस एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो ये आपके रिएक्शन प्रोडक्ट्स को लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस करना नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में एस्टर का हाइड्रोलिसिस आपको दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, एस्टर किसको बोलते हैं सबसे पहले वो समझ लो। एस्टर मतलब जनरली हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट प्रेजेंट हो। तो यहां पर आपका R हो सकता है, यहां पर आपका R डैश हो सकता है। ये R और R डैश कैन बी इक्वल और कैन नॉट बी इक्वल टू। R और R डैश इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनको हम एस्टर के नाम से जानते हैं। यहां पर हमें एस्टर का हाइड्रोलिसिस दिया है, ठीक है। एस्टर के हाइड्रोलिसिस में हमें ये वाला एस्टर दिया है। इस वाले एस्टर में हमको बोला है कि इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, रिएक्शन के प्रोडक्ट को लिखने का तरीका बताता हूं। यहां पर आपका एक आयन जनरेट होगा CH3COO-, दूसरा होगा C2H5+, यहां पर एक जनरेट होगा H+ और दूसरा होगा OH-। तो ये जो CH3COO- है वो इस H+ के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका CH3COOH बनाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरे में ये जो C2H5+ है वो इस OH- के साथ कंबाइन होकर के C2H5OH बनाएगा। क्लियर हुआ आपको दोनों ही प्रोडक्ट्स? तो ये हो गया एस्टर का हाइड्रोलिसिस। अब यहां पर
ये जो एसिटिक एसिड जनरेट हो रहा है वो ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब इनिशियली एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड ऑटो कैटालिस्ट बनता जाएगा, ऐसे ऐसे रिएक्शन जो है वो फास्ट होती जाएगी। क्लियर हुआ? चलो देख लो। ठीक है, यहां पर दो एग्जाम्पल जो है वो काफी है इसको समझने के लिए, बाकी क्या आप खुद से समझ सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर करे और उसके अंदर अनचेंज रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? सोचो, इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी, इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। प्रोमोटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? तो वो क्या करता है, सोचो? एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट को एनहांस करता है। थर्ड क्वेश्चन, पॉइजन क्या करते हैं क्वालिटी ऑफ कैटलिस्ट के साथ? पॉइजन कैटलिस्ट की क्वालिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब आगे का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है, विच इज टाइप ऑफ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस को हम टोटल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कैटालिसिस जो है वो आपके टोटल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, और दूसरा जो आपका पार्ट है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ था? सेम फेस। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेस। तो यहां पर सेम फेस है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, और जीनियस का मतलब तो आपको पता ही है, फेस। तो यहां पर डिफरेंट फेस होगा। किसका सेम फेस और किसका डिफरेंट फेस सर, वो बताओ। चलो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखो, कैटालिसिस के दो पार्ट हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस कैटालिसिस के अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में हो, सेम फेज में मतलब दोनों लिक्विड हो, दोनों सॉलिड हो, दोनों गैस हो, तो उसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने की प्रोसीजर है। तो इसके वन ऑफ द स्टेप के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है। सिंपल SO2 गैस के साथ ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीडेशन या एडिशन कर दो, तो ये SO3 गैस में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो आप ध्यान से देखो, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है, सेम फेज में है, इज इक्वल टू दे आर गैस। मतलब कि ये जो कैटालिस्ट है या ये जो कैटालिसिस की प्रोसीजर है वो कौन सी है? होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। देख लीजिए, डन है। यहां पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो और कैटालिस्ट वो दोनों ही सेम फेज में है। ओके, आगे आगे का एग्जाम्पल आप लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिड एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखते हैं कि कैटालिस्ट का फेज कौन सा है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट जो है वो HCl है, उसका भी फेज जो है वो कौन सा है? लिक्विड। बच्चों क्या आप इसकी प्रोडक्ट खुद से लिख सकते हो? जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था। क्लियर हुआ? इसकी प्रोडक्ट को आप आसानी से खुद से ही लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ये होमोजीनियस कैटालिसिस के दो एग्जाम्पल हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन वो आप खुद से समझ सकते हो। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर बच्चों समझो क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर
रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होते हैं, दे आर इन डिफरेंट फेज। मतलब अगर रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड है तो कैटलिस्ट जो है वो लिक्विड या तो गैस होगा। क्लियर हुआ? अगर ये लिक्विड है तो ये सॉलिड गैस होगा। कहने का मतलब वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने इस रिएक्शन को समझ लिया है, तो यहां पर SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर के SO3 गैस बना रहे हैं। यहां पर SO2 गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर के SO3 गैस बना रहे हैं। रिएक्टेंट को रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। बट अब यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होगा वो है प्लेटिनम। ठीक है, पहले आपने यूज किया था नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस, यहां पर आप यूज कर रहे हो प्लेटिनम सॉलिड। तो बच्चा लोग ध्यान से देखो कि यहां पर ये रिएक्टेंट और ये कैटलिस्ट दे आर नॉट इन सेम फेज, वो सेम फेज में नहीं है। ठीक है, वो सेम फेज में नहीं है, मतलब कि यहां पर जो एग्जांपल है वो किसका हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का। यहां पर जो एग्जांपल है वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का हो जाएगा। ध्यान से देखिए। ओके, चलिए आगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हम हेबर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको पता है कि हेबर्स प्रोसेस के अंदर यहां पर रिएक्टेंट जो है वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस है, प्रोडक्ट आपकी है एमोनिया गैस। इक्वेशन को बैलेंस कर दे तो यहां पर 2 आएगा। यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होगा वो है आयरन सॉलिड फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस फेज में है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। कहने का मतलब ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हुआ। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं है या डिफरेंट फेज में है। क्लियर हुआ? तो जहां पर भी डिफरेंट फेज हेट्रोजीनियस, सेम फेज वहां पर होमोजीनियस। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज देख लो। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, सोचो। उसको होमोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है। ठीक है, अब हम एडसॉर्प्शन थियरी ऑफ हीट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन थियरी ऑफ हीट्रोजीनियस कैटालिसिस में हम ऐसा समझते हैं कि ये थियरी कैटालिसिस के मैकेनिज्म को 5 स्टेप में कंसीडर करती है। यह ऐसा बोलती है कि जो एडसॉर्प्शन की कैटालिसिस की जो प्रोसेस है वो ऑल टुगेदर 5 स्टेप्स के अंदर प्रोसेस होती है। स्टेप नंबर 1 क्या है? इट इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। अब बच्चों, आपको डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन हम किसको बोलते हैं। डिफ्यूजन मतलब माइग्रेशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, माइग्रेशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो माइग्रेशन होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में इट इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सो हियर यू कैन सी द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। नाउ दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कमिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन दैट इज दिस प्लेस टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन दैट इज दिस प्लेस। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? तो स्टेप नंबर 2 में दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहां पर ये कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है। फिर क्या होगा, देखो, ये यहां पर इस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? इन थर्ड स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट।
प्रोडक्ट बनेगी लेकिन वो इंटरमीडिएट के रेंज की होगी, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। देखिए क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट बनाया, बट ये प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस के साथ जुड़ी हुई है। ध्यान से देखो, ये जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट की सरफेस के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। अगर ये प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाए तो फिर हम इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, अदरवाइज इंटरमीडिएट बोलेंगे। देखो स्टेप नंबर 4 में डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स अकर्स, मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाएगी। देखिए डिसॉर्ब हो रही है। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनी है वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिफ्यूज हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी। अब सोचो यहां पर डिफ्यूजन मतलब यहां पर आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन था प्रोडक्ट का, यहां पर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन था प्रोडक्ट का, ठीक है, तो यहां हाई से लो गई, मतलब इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं। तो इन लास्ट स्टेप द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज डिफ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर हुआ बच्चों सब लोगों को एकदम? चलो वापस से देख लो कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या देखा, तो स्टेप नंबर 1 में डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, स्टेप नंबर 2 में एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, स्टेप नंबर 3 में क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट थ्रू इंटरमीडिएट, क्योंकि यहां पर कैटलिस्ट और प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं, यहां पर कैटलिस्ट और प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। स्टेप नंबर 4 में प्रोडक्ट्स जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिसॉल्व होते हैं, और स्टेप नंबर 5 डिसॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं देखो, और स्टेप नंबर 5 में जो कैटलिस्ट की सरफेस से प्रोडक्ट्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहां पर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन के नाम से जाना। क्लियर हुआ, पांचों के पांचों स्टेप एकदम परफेक्टली समझ में आ गए, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, दो फीचर्स हैं, पहला है आपका एक्टिविटी और दूसरा जो फैक्टर है या दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या फीचर है वो सिलेक्टिविटी है। एक्टिविटी किसको बोलते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन को कैटलिस्ट कितना अच्छे से बढ़ा पाता है उसको उस कैटलिस्ट का एक्टिविटी बोला जाएगा। जितना अच्छे से रेट बढ़ाएगा उतना ही वो कैटलिस्ट एक्टिव कैटलिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। आओ समझते हैं, किसी भी कैटलिस्ट का रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाने का जो एबिलिटी है उसको उसका एबिलिटी बोला जाता है। जैसे इस वाले लाइन को छोड़ देते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 11 तक बढ़ती जाती है, और 7 to 9 के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके लिए सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसका मतलब यहां पर मैं ग्रुप्स ड्रॉ कर दूं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ग्रुप क्या है वो तो समझ में आता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की, उनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर वर्टिकल को क्या बोलते हैं, सॉरी जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए इन कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाती है एज यू मूव राइट साइड, और मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो 7 to 9 तक देखने को मिलती है। मतलब यहां से आगे चलो तो पहले बढ़ती जाएगी और फिर कम होती जाएगी, मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो ग्रुप 7 to 9 के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर आपको हाइड्रोजिनेशन ऑफ
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो वाटर होगा, कैटलिस्ट जो है वो प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम कौन से ग्रुप का है बच्चों? प्लेटिनम 9th ग्रुप का है, तो अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो सही हो रहा है, ठीक है। प्लेटिनम जो है वो 9th ग्रुप का है, मतलब अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो बिल्कुल सही है कि कैटालाइटिक एक्टिविटी ग्रुप नंबर 5 से लेकर के 11 तक बढ़ती जाती है और 7 टू 9 के ग्रुप इस रिएक्शन के लिए मैक्सिमम एक्टिविटी को दिखाते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब दूसरा पैरामीटर पढ़ते हैं विच इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी किसको बोलते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फेवर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, टू फेवर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ऑलवेज फेवर करता है। चलो समझते हैं एग्जांपल की मदद से, ठीक है। यहां पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एज अ रिएक्टेंट ले रहे हो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एज अ रिएक्टेंट ले रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करवा रहे हो। देखो तो अब देखो यहां पर रिएक्टेंट हर बार सेम ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो यहां पर फॉर्म हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो यहां पर फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए जा रहे हैं। तो वी कैन से दैट निकल फेवर्स मीथेन एंड वॉटर फॉर्मेशन। कैन वी से दैट निकल इज सिलेक्टिव टू मीथेन एंड वॉटर? तो निकल जो है वो मीथेन एंड वॉटर के लिए सिलेक्टिव है, कॉपर जिंक ऑक्साइड जो है वो मिथेनॉल के लिए सिलेक्टिव है, और जो ये कॉपर है वो आपका फॉर्मल्डिहाइड की प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए सिलेक्टिव है। कहने का मतलब कोई भी कैटलिस्ट जिस भी पर्टिकुलर रिएक्शन को फेवर करे उस रिएक्शन के लिए गिवन कैटलिस्ट सिलेक्टिव बोला जाता है। निकल इस केमिकल रिएक्शन के लिए सिलेक्टिव है, कॉपर और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर इसके लिए सिलेक्टिव है, और कॉपर अकेला जो है वो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए सिलेक्टिव है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमको कुछ चीजें समझ में आती है कि जो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट है वो हाईली सिलेक्टिव होता है, ठीक है। कैटलिस्ट का एक्शन हाईली सिलेक्टिव होता है, और गिवन सब्सटेंस किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, ऑल रिएक्शंस के लिए नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ही कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, सभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों को ये सब चीजें? चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमें शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है, जो खास करके जियोलाइट्स दिखाते हैं। अब आप लोगों ने जियोलाइट्स के बारे में 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ लिया है। ये वाटर को प्योरीफाई करने के लिए या हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, साथ साथ में ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। अब शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस किसको बोला जाता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो कैटालाइटिक रिएक्शंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहला है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का पोर स्ट्रक्चर कैसा है? सर्क्यूलर है, हेक्सागोनल है, बराबर स्क्वायर शेप्ड है इसके ऊपर, और साथ साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। समझो कैसे? हमने लास्ट थियरी में देखा था कि प्रोडक्ट जो है और रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब और डिसॉर्ब होते हैं। तो अगर कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट की साइज बहुत छोटी होगी
तो वह आसानी से एड्सॉर्ब और डिजॉर्ब हो सकता है, बड़ी होगी तो इस प्रोसेस के अंदर डिफिकल्टी आएगा। तो तीन चीजें जो है वो कैटालाइटिक रिएक्शन के ऊपर असर डालती है। पहला है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। दूसरा साइज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज साइज ऑफ प्रोडक्ट। अब शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस किसको बोलते हैं? तो जो कैटालिसिस के अंदर कैटालिस्ट का इफेक्ट उसके पोर स्ट्रक्चर के ऊपर या पोर स्ट्रक्चर की जगह पे एक काम करते हैं, हम शेप के ऊपर ले लेते हैं। कैटालिस्ट का जो इफेक्ट है वो शेप ऑफ द कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो शेप ऑफ द कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे कैटालिसिस को हम शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे कैटालिसिस को हम शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जियोलाइट जो है वो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका बहुत ही यूनिक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक शेप के होते हैं और स्पेसिफिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ही रिएक्शन के लिए अलाउ करते हैं, इसीलिए जियोलाइट को शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बोला जाता है। जो कैटालिस्ट की जो रिएक्शन है वो कैटालिस्ट के शेप के ऊपर डिपेंड करती हो, उनको हम शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बोलते हैं। जियोलाइट जो है वो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। जियोलाइट्स के बारे में अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक्चुअली एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। इसका मतलब समझाता हूं। यहां पर मैं आपको सिलिका और ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क जो है वो ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को जनरल वर्ड में सिलिकेट्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को जनरल वर्ड में हम सिलिकेट्स के नाम से जानते हैं। दे आर सिलिकेट्स, कंपाउंड ऑफ सिलिका एंड ऑक्सीजन आर इन जनरल नोन एज सिलिकेट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिलिकॉन्स को हम एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, देखो यहां पर सिलिका है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर बाद में लिखता हूं, यहां पर अगेन ऑक्सीजन, सिलिकन, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन, इसको बाद में लिखता हूं, ये ऑक्सीजन, ये सिलिका, ये ऑक्सीजन, ये सिलिका, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि मैंने कुछ जगह पे अब एल्यूमिनियम लगा दिया है, ठीक है, मैंने कुछ जगह पे अब एल्यूमिनियम लगा दिया है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम इस स्ट्रक्चर को शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, सॉरी एल्यूमिनो सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर बना बोलते हैं। चलिए मैं स्ट्रक्चर को वापस बना देता हूं। यहां पर है सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सिलिकेट्स, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सिलिकेट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिलिकॉन एटम को यहां पर हम रिप्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम से। तो देखो क्या होगा, अब नया जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसके अंदर यहां पर सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है, यहां पर सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सिलिकेट्स। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सिलिका की जगह पे कौन आ गया है, यहां पर सिलिका की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया है, यहां पर सिलिका की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया है। क्लियर हुआ, ठीक है, सब लोगों को इस चीज को
आसानी से समझने के लिए मैं इसको अलग कलर की मार्कर से दिखा देता हूं। यहां पर आपका आएगा जस्ट अ सेकेंड, यहां पर लेट अस से वी आर टेकिंग रेड कलर। तो यहां पर आपका एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोलते हैं। पहले बोला था सिलिकेट्स, इनको हम बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एल्यूमिनो सिलिकेट्स ही जनरली जियोलाइट्स होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स ही जनरली जियोलाइट्स होते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो अभी बढ़ते हैं आगे। जियोलाइट्स के बारे में हमने ऑलरेडी समझा दिया, इसके अंदर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकन की फ्रेमवर्क होती है। याद रखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के टर्म्स में, कि जो जियोलाइट्स हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं कहां पर? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। जियोलाइट्स कैटलिस्ट की तरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कौन सी प्रोसेस में यूज होते हैं? क्रैकिंग में और आइसोमराइजेशन में। चलो समझते हैं कि क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्रैकिंग। तो यहां पर मैंने हाइड्रोकार्बन जो है उसको ड्रॉ किया हुआ है, बराबर। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोकार्बन है वो लॉन्ग चेन का है। ये आपका है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये है आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अब क्रैकिंग में क्या करते हैं हम? क्रैकिंग में इसको क्रैक कर देते हैं, कुछ पोर्शन से तोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ पोर्शन से हम इनको तोड़ देते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। मैंने ये आपको बहुत ही रफ दिखाया। यहां पर जो मैं कंपाउंड दिखा रहा हूं ना, ये आपके अल्केन की चेन हो सकती है, ठीक है। अल्केन की चेन हो सकती है, हम इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से दिखा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है उसको हम क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। क्यों क्रैकिंग किया जाता है? क्योंकि क्रैकिंग से आप लो वैल्यू लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हाई वैल्यू शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये जो है वो बात हो गई आपके क्रैकिंग की। अब हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन क्या होता है। तो देखो, यहां पर आपका लीनियर चेन जो था उसको आप क्या करोगे? अब ब्रांच में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। फर्क क्या पड़ा? तो यहां पर एक हम ब्रांच बना देते हैं। ब्रांच को एक अलग कलर से दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर था वो लीनियर स्ट्रक्चर था, ठीक है। और यहां पर जो स्ट्रक्चर आया वो ब्रांच आया, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आया वो ब्रांच है। यहाँ पर इसको हम ब्रांच बोलते हैं। जैसे पेड़ों की टहनी निकलती है ना, ऐसे यहाँ पर भी इस पेड़ की टहनी निकल आई है जिसको ब्रांच बोला जाता है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो वैल्यू होते हैं और जो ब्रांच होते हैं वो हाई वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन से लो वैल्यू प्रोडक्ट्स को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। याद रखो बच्चों, यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होता है, यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है ZSM5, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर। और यहां पर भी जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है ZSM5। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो कैटलिस्ट ZSM5 जो है वो एज अ कैटलिस्ट पेट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर या पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर यूज होता है। प्रोसेसेस के दो नाम है, पहला है आपका क्रैकिंग और दूसरा है आपका आइसोमराइजेशन, ठीक है। दूसरा है आपका आइसोमराइजेशन, पहला है आपका क्रैकिंग। क्लियर हुआ सब लोगों को? जियोलाइट जो है वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है और वो एक इस पर्टिकुलर शेप के बेसिस पर ही रिएक्टेंट्स को एड्सॉर्ब और प्रोडक्ट्स को डिसॉर्ब करते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर कैटलिस्ट के अंदर यू हैव एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकन का फ्रेमवर्क। क्लियर हुआ बच्चों सब लोगों को? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देख लीजिए,
कैटलिस्ट की एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, सोचो। बड़ी सीधी सी बात है कि उसको क्या बोला जाएगा, एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज, किसी भी कैटलिस्ट की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की टेंडेंसी को या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फेवर करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, उस कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी। क्लियर हुआ, चलो देखते हैं। अब एंजाइम कैटालिसिस और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। तो हमारी बॉडीज के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसको एंजाइम जो है वो कैटालाइज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनको एंजाइम जो है वो कैटालाइज करती हैं। एंजाइम्स जो है वो कैटालाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब की सब रिएक्शंस जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के वो मेंटेन करने की काम में आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और इसको कैटालाइज कौन करता है, एंजाइम। तो क्योंकि एंजाइम लिविंग बॉडी में, क्योंकि एंजाइम लिविंग बॉडी में मतलब बायोलॉजिकल बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करता है, केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करता है, इसको हम बोलते हैं बायो केमिकल, और जो फास्ट करता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायो प्लस केमिकल प्लस कैटलिस्ट, दैट इज बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। इसीलिए एंजाइम्स को बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। और ये जो फिनोमिनन है बच्चों, खास याद रखो, उसको बायोकेमिकल कैटालिसिस बोला जाता है। ये जो फिनोमिनन है उसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ बच्चों सब लोगों को। अभी आगे एग्जाम्पल देखते हैं। इन्वर्टेज जो है वो केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों देखो, केन शुगर मतलब होता है C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस मतलब आप इसके अंदर क्या ऐड करोगे, तो इसके अंदर आप H2O ऐड करोगे। तो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है इन्वर्जन। इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वर्जन, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर 14 बायोमोलेक्यूल जब चलाऊंगा तब इस रिएक्शन को वापस से बताऊंगा आपको कि इसको इन्वर्जन क्यों बोला जाता है। क्योंकि रिएक्शन इन्वर्जन है, यहां पर जो एंजाइम यूज होता है उसको इन्वर्टेज बोला जाता है। एंजाइम्स का नाम या तो रिएक्शन के बेसिस पर या तो रिएक्टेंट्स के बेसिस पर दिया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होंगी, तो एक प्रोडक्ट आपकी होगी ग्लूकोज, ठीक है, एक प्रोडक्ट होगी ग्लूकोज और दूसरी प्रोडक्ट होगी फ्रुक्टोज। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, दोनों के फॉर्मूला तो सेम ही है, तो एक को ग्लूकोज बोल रहे हो दूसरों को फ्रुक्टोज बोल रहे हो। द आंसर इज यस, दे आर आइसोमर्स, ठीक है। हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको आइसोमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। देख लीजिए प्रोसेस, यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो इन्वर्टेज है। ये हमारी बायोलॉजिकल बॉडी में होता है, इसका मतलब कि एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट जो है उसको बढ़ा रहा है। क्लियर हुआ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को डायरेक्टली इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, यहां पर आपका जो एंजाइम है वो कौन सा हुआ, जाइमेज। एंजाइम जो है वो जाइमेज हुआ। रिएक्टेंट जो है वो आपका ग्लूकोज है।
एक प्रोडक्ट आपकी इथेनॉल हुई और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हुई। ये प्रोसेस भी हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो जाइमेज है वो इस ग्लूकोज को इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और 4 आप खुद से देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन जो है वो एंजाइम कैटलाइज होती है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए, एंजाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम जो है वो कभी कभी 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, 1 मिलियन मतलब बच्चों समझो 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। 1 मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे मतलब 10 मिलियन को, सॉरी 1 मिलियन को मतलब 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है पर मिनट। सोचिए ये कितना ज्यादा एफिशिएंट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मतलब कि एंजाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। दूसरा है, एंजाइम्स का नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलाइज्ड, एक ही कैटालिटिक रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे किसी को कैटलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इनका एक्शन जो है वो कैसा हुआ, हाईली स्पेसिफिक हुआ, ठीक है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऐसा देखा गया है कि कैटलिस्ट का एक्टिविटी जो है वो 298 केल्विन से 310 केल्विन के बीच में मैक्सिमम होता है। इनके बीच में इनका एक्टिविटी मैक्सिमम होता है। इस टेम्परेचर रेंज को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्लियर हुआ? चलो अभी उसी तरीके से एक और कंसेप्ट आता है जिसका नाम है ऑप्टिमम पीएच। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच 5 से 7 के बीच में मैक्सिमम होती है, इसको इसकी ऑप्टिमम पीएच बोली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? पहला है हाईली एफिशिएंट, एंजाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक एंजाइम 1 मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इनका नेचर काफी स्पेसिफिक होता है। एक एंजाइम किसी एक रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, सबको नहीं। एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसकी रेंज में एक्टिविटी जो है वो कैटलिस्ट की या एंजाइम की मैक्सिमम रहती है, और एक पर्टिकुलर पीएच रेंज है जिसके अंदर भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम देखी जाती है, इसको इसकी ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, बराबर। देखिए अब कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनको कोएंजाइम्स बोला जाता है, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको कोएंजाइम बोला जाता है। जो कोएंजाइम्स हैं वो जनरली मेटल एटम्स होते हैं, जैसे कि Na+, Mn+2, CO+2, Copper+2। ये एंजाइम की साइट के ऊपर वीकली अटैच हो जाते हैं। सपोज करिए ये एंजाइम है, तो ये जो मेटल एटम है ना वो यहाँ पर वीकली अटैच हो जाएगा। ये जो मेटल एटम है वो यहाँ पर इसके साथ, इस एंजाइम के साथ वीकली अटैच हो जाएगा, ठीक है। वीकली अटैच हो जाएगा, क्लियर हुआ। फिर ये कैटालाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। चलिए देखते हैं अब इनहिबिटर्स और पॉइजंस किसको बोला जाता है। तो जो सब्सटेंसेस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को या एंजाइम की एक्टिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें
या उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एंजाइम की साइट के ऊपर कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सपोज कि ये एंजाइम है, ठीक है, सपोज कि ये एंजाइम है, यहां पर ये जो होल्स दिख रहे हैं वो आपको एक्टिव फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे हैं। इनकी सरफेस के ऊपर आ करके आपका जो इनहिबिटर है या पॉइजन है वो जाकर के इधर लग जाएगा, मतलब कि सरफेस को ब्लॉक कर दिया। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स या तो इनहिबिटर्स। इनका काम होता है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को या तो रिड्यूस करते हैं या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर सब जगह पे एड्सॉर्ब हो गए तो रिड्यूस कर देंगे, सॉरी पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर कुछ जगह पे एड्सॉर्ब हुए तो ये कैटलिस्ट की या एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए, एंजाइम कैटलिस्ट की इसका जो मैकेनिज्म है वो लॉक एंड की होता है। इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो के अंदर का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। बच्चों अच्छे से तब तक आप पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप आराध्य क्लासेस के जो एडमिन है उनको रीच आउट कर सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन को मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। मीनवाइल थैंक यू वेरी मच।